कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? तू हमारा बेटा है देवा, मैं तेरी आई हूँ और ये तेरी भाऊ है। आई भाऊ मतलब माता पिता बेटा, ये तेरा ही घर है बेटा। तू अभी सोच मत, तू बस लेटर है, लेटर आ जा, सो जा ना बेटा। अरे अरे डॉक्टर साहब आ गए। अरे वाह, इसे होश आ गया। बेटा कैसा लग रहा है, कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं सब ठीक है, बस ये याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। तू लेटर है, तू ज्यादा बात मत कर, डॉक्टर साहब इसे बोलिए ना कि ये बिल्कुल ठीक है और ये उसी का घर है। हाँ हाँ शांता वहनी, ये बिल्कुल ठीक है। सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब तू बस आराम कर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेके आती हूँ। देखिए मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, ये सुबह शाम दूध के साथ देते रहना। लेकिन डॉक्टर साहब इसे हुआ क्या है, इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कभी कभी शॉक की वजह से या सिर पे किसी चोट की वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे यहाँ खुशी की बात यह है कि इसे होश आ गया है और हो सकता है कि जल्दी ही इसे सब कुछ याद भी आ जाए। लेकिन जब तक इसे सब याद नहीं आ जाता तब तक हम पता कैसे लगाए कि ये है कौन? देखिए मेरे ख्याल से अभी आप इसके बारे में ना ही सोचे तो अच्छा रहेगा। और प्लीज बार बार देवा से, इस बच्चे से इसके बारे में ज्यादा मत पूछिए, कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग पर जोर देने से फिर से ये बेहोश हो जाए। नहीं नहीं, और तब तक शांता वैनी को भी एक माँ का प्यार इस पे लुटाने दीजिए, ये उनके लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों ये वानी है, न्यू एडमिशन है, आज से ये आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ेगी। हाय। वानी बेटा सीट पे बैठो। बच्चों मुझे मालूम है कि बालवीर की खबर सुन के तुम लोग उदास हो, पर मेरा भी आज पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन बच्चों हम उदास होकर तो नहीं बैठ सकते ना, जिंदगी में हमें आगे तो बढ़ना ही है ना, तो क्या कहते हो बच्चों? सर क्या हम सब बच्चे शाम को गार्डन में बालवीर की याद में पीस मार्च कर सकते हैं? हाँ सर, ये सब बच्चों की तरफ से बालू को श्रद्धांजलि होगी। वेरी गुड मानव, वेरी गुड वानी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी जाके प्रिंसिपल सर से इस पीस मार्च की परमिशन ले लेता हूँ। Yes, sir. मानव और वानी कान खोल के मेरी बात सुन लो, आज शाम को होने वाली पीस मार्च में कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी। जाऊंगा मैं भी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगा, हम सब जाएंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग पीस मार्च में कैसे जाते हो। नहीं नहीं
मतलब हम लोग तो मैं बोल रहा था कि हम तीनों तो जाने वाले हैं। चुप, तुम इन बच्चों को पीस मार्च में जाने से नहीं रोकोगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इन्हें मैं रोकूंगा। तुम हमें रोकोगे? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बालवीर के दोस्त हो। हाँ, रानी परी ने कहा था कि तुम बच्चों के साथ ही हो। और अगर लिया है तुमने बालवीर का स्थान तो रोक क्यों रहे हो तुम हमें देने से बालवीर को श्रद्धांजलि? हाँ, मैं बालवीर की जगह तभी ले सकूंगा ना जब तुम लोग उसे भूलोगे। और अगर तुम लोग उसे याद करते रहोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए कोई भी बच्चा बालवीर को श्रद्धांजलि देने नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। हम सब बच्चे बालवीर को श्रद्धांजलि देने जरूर जाएंगे। हाँ, आज तक बालवीर ने कभी भी हमें अच्छे काम करने से नहीं रोका है, फिर आज क्यों हमें रोक रहे हो? क्योंकि मैं बालवीर की तरह अच्छा नहीं हूँ। तो तुम बच्चों के दोस्त नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, और हम बालवीर को श्रद्धांजलि देने जरूर जाएंगे। हाँ, रोक नहीं सकता आप कोई भी हमें। आप कोई नहीं रोक सकता हमें। रोकूंगा, मैं रोकूंगा। मानो चेहरा, अब भी जाओगे मानव? तुम ये सब करके हमें डरा नहीं सकते। हाँ, अच्छा ये ले। और मारो, और मारो, और जोर से, और मारो, चलो और मार दो। क्यों, अभी भी तुम जाओगे? हाँ, ये जयवीर कर क्यों रहा है बच्चों को परेशान, जबकि इसे तो देना चाहिए बच्चों का साथ, करनी चाहिए बच्चों की मदद, लानी चाहिए उनके चेहरे पे खुशी, पर आ रहे इसकी वजह से बच्चों की आंखों में आंसू। रो लो जितना रोना है, लेकिन तुम लोगों के आंसू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, सब ध्यान से सुनो, आज से बल्कि अभी से कोई भी बालवीर को याद नहीं करेगा। आज जो भी बालवीर की पीस मार्च पे जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा, समझे? तुम होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता बालवीर। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया माँ। हाँ, तुमने मुझे माँ कहा? आपने सुना, इसने मुझे माँ कहा? बेटे, तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। गणिया बाकिया को बोल के गाड़ी निकल, हमें मंदिर जाना है, और बाकी सबसे भी पूछ के जश्न की तैयारी हुई कि नहीं। जश्न? कैसा जश्न? अरे देवा, तेरे जन्मदिन का जश्न हम हर साल मनाते हैं। पर मैं तो अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाता हूँ। हाँ, तो फिर बच्चे भी आएंगे ना? सारे गांव के बच्चे आएंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे। हाँ हाँ, नाच लेना गा लेना सब कर लेना, लेकिन पहले मंदिर चलो, नहीं तो मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। चलो चलो आ जाओ। हाँ बेटा, हाँ बेटा,
माँ थाली। ये क्या है? ये क्या है? अभी आपको देरी नहीं हो रही है मंदिर जाने के लिए? हाँ हाँ देर हो रही है। चलो जल्दी आओ देवा। हाँ हाँ गणिया गाड़ी निकल रहे। माँ जितनी चाहे मर्जी बुला लो, जितना भी पुकार लो बालपरी, बालवीर नहीं आने वाला, क्योंकि बालवीर मर चुका है। और हाँ बालपरी, जितना जल्दी तुम भयंकर परी को अपनी रानी परी मान लो और उनके कदमों में अपना सिर झुका लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारी सच्चाई का रंग आपके जैसा कमजोर नहीं है नाराज परी। डर के मारे बुराई के रंग में रंग जाए। क्या कहा आपने कि ये नाराज परी है बदलती रंग गिरगिट की तरह? तौबा तौबा। देखा बाल परी, हमारे एक छोटे से वार से पूरा परीलोक हिल जाता है, तो फिर हमारे इतने बड़े सोचे समझे वार से बालवीर कैसे वापस आ जाएगा? भयंकर परी, बालवीर वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। बाल परी, अब भी तुम्हें इतना विश्वास है कि बालवीर आएगा? हाँ पूरा भरोसा है, वो जरूर वापस आएगा। जब तक बुराई का एक कण भी बाकी है, बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। बालवीर! मानव बल्लू बेटा, ये क्या हल बना रखा है तुम दोनों ने? हाँ अरे ये क्या, किसने किया ये? जयवीर ने। जयवीर ने? नहीं, जयवीर तो बच्चों का दोस्त है ना? नहीं, है नहीं वो हमारा दोस्त। हाँ बल्कि वो तो चाहता है कि हम आज शाम को गार्डन में बालवीर के याद में पीस मार्च ना निकाले। जयवीर आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, हम शाम को गार्डन में बालवीर के याद में पीस मार्च जरूर निकालेंगे। नहीं, ऐसे अपने आप को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। बालवीर भी तो नहीं है तुम लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये सब कर रहे हैं हम बालवीर के लिए ही। नहीं, फिर भी कोई जरूरत नहीं है। जयवीर बहुत खतरनाक है, अगर उसने कहा है कि वो पीस मार्च नहीं होने देगा तो वो ऐसा कर भी सकता है। नहीं बच्चों, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचाए। देखो बच्चों, तुम बालवीर के बारे में ये सोच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन वो जयवीर ऐसा नहीं सोचता है ना, वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। बच्चों देखो ना, उसने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। भाई मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटा, अब जिद छोड़ो और ये सब साफ कर लो, जा। बालवीर के बिना बच्चों की रक्षा कौन करेगा? काश काश कैसे भी करके बालवीर जल्द से जल्द वापस आ जाए। गाड़ी क्यों रुकी? तुमने शुभ बोला के कुछ उल्टा हो गया। रागव नको, सामने पेड़ गिरा है, अभी हटा देते हैं। ए चल रे। अरे तू कहाँ जा रहा है देवा? तू बैठी यही आई। अरे पर सब गए हैं ना, तू वहां जाकर क्या करेगा? तुझे कोई चोट वोट लग गई तो?
मैं आता। ओहो देवा, तू अभी छोटा है बच्चा, तू वहां जाकर क्या करेगा? उनकी थोड़ी सी मदद कर दूंगा माँ। तू ना मानेगा नहीं। अच्छा जा, लेकिन संभाल के आ। हाँ। इतना बड़ा पेड़ इतनी आसानी से उठा के वहां रख दिया। देखा, हमारा बेटा ही हमारी ताकत है। चलिए। हाँ, नटखट परी, जाओ और परिबाग में है खिले जो काले फूल, वो तोड़कर बनाओ हमारी परी भयंकर के लिए एक सुंदर सा और बढ़िया सा हार। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं परिबाग में से फूल तोड़कर नहीं ला सकती। हमारे परिलोक में ऐसा नहीं होता है। नटखट परी, प्रधान की बात नहीं मानती तो पहले जो नहीं होता था वो सब अब परिलोक में होगा। तुम सब मेरी दासियां हो और इसलिए वही करोगी जो मेरा आदेश होगा, समझी? और हाँ परी, अभी तो सिर्फ तुम लोग भयंकर परी की गुलाम बने, बहुत जल्द पृथ्वी लोक के सारे बच्चे भी भयंकर परी के गुलाम हो जाएंगे। हाँ, और फिर मैं इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। मासूम बच्चों को तकलीफ देते हुए तुम्हें दर्द नहीं होता? नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। जब इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को तकलीफ होती है ना, तो भयंकर को बहुत खुशी होती है। सही कहा आपने भयंकर पर, मैंने भी बच्चों के दिल में अपना इतना डर बिठा दिया है कि पृथ्वी लोक पे बच्चे कभी भी बालवीर को याद नहीं करेंगे। अच्छा, वो कैसे? आज पृथ्वी लोक पे कुछ बच्चे बालवीर की याद में एक पद यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। शाबाश जयवीर, ये तुमने बहुत अच्छा किया। आहा परी भयंकर, लेकिन रखिए याद, है करते बच्चे बालवीर से बहुत प्यार, इसलिए हो सकता है फिर भी वो जाने की करे कोशिश। वहां नहीं है, और जैसा मैंने बच्चों का हाल किया है वो कभी वहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, और अगर हिम्मत करेंगे तो उन पर ऐसा वार करना जयवीर कि उनकी हिम्मत हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ। Ha 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 ha